अच्छा साल है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ लेंथ ऑफ 105 सेंटीमीटर एंड इस मैग्निफिकेशन इज 6। ये लेंथ हो गई, ये मैग्निफिकेशन हो गई, और वही पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव पावर ऑफ आई पीस चाहिए। एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई होता है, एल एफ नॉट प्लस एफ ई होता है, पावर ऑफ लेंथ 100 अपॉन एफ सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में दी हुई है तो, मीटर में है तो 1 अपॉन एफ। अब ये हम 6 है मैग्नीफिकेशन, यहाँ से एफ नॉट 6 FE आ जाएगा, एफ नॉट की जगह 6 FE पुट यहाँ कर दें, लेंथ 105 दी हुई है तो 7 FE 105, FE 15 आ जाएगा, 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, एफ नॉट 90 आ जाएगा। अब चाहें तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, या तो उसमें 1 अपॉन एफ करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में इसी तरह होगा 100 अपॉन 90, 1.11 डायोप्टर, और पी 100 अपॉन FE कितना आया था भाई, 15 आया था हमारा, तो ये 6.66 डायोप्टर आ जाएगा। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग एंगुलर मैग्नीफिकेशन 5 कंसिस्ट ऑफ 2 थिन लेंसेस 24 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द पावर ऑफ इट्स लेंसेस। मैग्नीफिकेशन 5 है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप 24 सेंटीमीटर, और हमें पावर चाहिए ऑब्जेक्टिव की भी, आई पीस की भी। तो देखो एल बराबर होता है एफ नॉट प्लस एफ ई के, तो 24 बराबर हो गया एफ नॉट प्लस एफ ई के। अब मैग्नीफिकेशन का फार्मूला एफ नॉट अपॉन एफ ई होता है टेलीस्कोप के केस में, ये 5E उधर जाके मल्टीप्लाई एफ ई, एफ नॉट 5E है, तो यहाँ पे मैं एफ नॉट की जगह 5E पुट कर सकता हूँ, 5E प्लस 5, एफ ई प्लस एफ ई 6 FE, एफ ई की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन 6, 4 सेंटीमीटर या 0.04 मीटर। ये 4 सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ पुट करो तो एफ नॉट 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव होगी 1 अपॉन एफ नॉट, ऑफकोर्स इन मीटर, तो एफ नॉट मीटर में 0.2 मीटर है, 1 को 0.2 से डिवाइड करो, 5 डायोप्टर, इसे यहाँ पी ई चाहिए 1 अपॉन एफ ई 1 अपॉन 0.04 मीटर, तो ये हो जाएगा 25 डायोप्टर।